चलिए अब देखिए, अब देखो बेटा आगे पढ़ते हैं हम। डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद आता है एरिया। चलो लिखेंगे, इस चैप्टर को हमने नाम दिया एरिया। एक्चुअल में इसमें एरिया के बारे में ही बातचीत होती है, तो ज़रा हेडिंग डालेंगे ए और डी आई भी कह सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। चलो एरिया, शॉर्टकट में हम एरिया बोलेंगे, बस इसमें केवल एरिया की बात होगी, डेफिनेट का यूज़ होगा। बहुत अच्छे से आपको समझना है, टॉपिक बहुत छोटा है, बस इसके लिए डेफिनेट का पूरा खेल है। थोड़ा बहुत ग्राफ हल्का सा, जो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या होता है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये होता है पैराबोला। ये छोटे छोटे ग्राफ याद हों, वाई इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन होती है, ऐसे बनती है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है, और y इज इक्वल टू मॉड एक्स, ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। कैसे होगा y इज इक्वल टू मॉड एक्स, इस तरीके से हो गया। चलो तो अब हमें इस चैप्टर को जरा अच्छे से समझना है। दो कॉन्सेप्ट है बेटा, देखो इसमें मॉड ऑर्डर लगा के देता, कोई घबराने की जरूरत नहीं, बहुत ईजी है। मैंने क्या कहा कि बहुत ईजी है चैप्टर, इसके लिए बस पूरा का पूरा खेल डेफिनेट इंटीग्रेशन का है, और कहीं कहीं पर थोड़ा सा ग्राफ भी हेल्प करता है, तो बहुत इजी है। ज़रा देखें क्या है, तो एरिया यानी क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम बेसिक से आपको बता रहे हैं, अगर मैंने आप बच्चों को कहा ये क्या है, आपने कहा सर ये रेक्टेंगल है, यानी आयत जिसे हिंदी में कहा जाता है। अगर मैंने पूछा बेटा इसका एरिया क्या होगा, आपने कहा बहुत ईजी है, इसका एरिया लेंथ अगर मालूम चल जाए और इसकी ब्रेथ यानी इसकी चौड़ाई पता चल जाए, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ होगा, ये हमारा इसका एरिया होता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे, यहां पर बात करेंगे एक ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल ये हाइट हो गई, और ये ट्रायंगल क्या है, ये इसका बेस है। ठीक है, ये इसका बेस है, और इस ट्रायंगल के एरिया की अगर बात किया जाएगा तो क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इनटू हाइट, ये होगा कि नहीं होगा बताओ, इस ट्रायंगल का एरिया होगा। अगर सर्कल है हमारा और उसकी रेडियस आर है, तो इस सर्कल का एरिया क्या होगा, तो हम इनके शेप जानते हैं, उस हिसाब से हमारे पास फॉर्मूला है। जैसे रेक्टेंगल है तो इसका शेप मालूम है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला ये है। अगर हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका भी फॉर्मूला है, सर्कल है उसका भी फॉर्मूला है। लेकिन अगर कुछ ऐसा रीज़न बनेगा जिसमें ना तो वो शेप रेक्टेंगुलर होगा, ना सर्कल होगा, ना ट्राइंगल टाइप का होगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने कहा कोई कर्व है, मान लीजिए वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई कर्व बनाया, देखो इधर फर्स्ट पॉइंट है, एक्स एक्सिस बनाई और वाई एक्सिस बनाई, ये कोई कर्व दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखिएगा, ये कोई कर्व है, इसकी इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ये इस कर्व का इक्वेशन दिया वाई इक्वल टू एफ एक्स। ये कोई लाइन है, एक है एक्स इज इक्वल टू ए, ये दूसरी लाइन है एक्स इज इक्वल टू बी, एक कर्व है एक्स इज इक्वल टू ए, ये दूसरा कर्व है x इज इक्वल टू बी, और ये हमारा जो है रीजन है, इस रीजन का हमें एरिया निकालना है। समझ रहे हो बात को, समझिएगा पूरा पूरा चैप्टर का नाम। ये चैप्टर जो है हमने क्यों नाम दिया एरिया, इस सवाल का आप कोई भी अगर बुक देखोगे, इसकी एक्सरसाइज अगर लोगे, तो आप यही पाओगे, अगर उसमें 50 क्वेश्चन है तो हर 50 क्वेश्चन में हर जगह एरिया एरिया पूछा होगा। तो इसलिए हमने इस चैप्टर को नाम दे दिया एरिया, केवल इसमें डिस्कशन होगा एरिया का। कैलकुलस में इसलिए डाला गया है कि कोई कर्व है, मान लीजिए कर्व है, ये दो लाइन एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी, इन दोनों कर्व के बीच में देखो ये कुछ एरिया बाउंड हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, चैप्टर का नाम दिया जाता है, लेकिन हमें शॉर्टकट में एरिया बोल दिया। तो इस रीजन का एरिया बताना है, ये जो रीजन दिखाई दे रहा है, जो हमने शेडेड आपको दिख रहा है, ये पोर्शन शेडेड है, ये कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स,
और ये x इज इक्वल टू ए लाइन है और x इज इक्वल टू बी लाइन है, ये ऑर्डिनेट भी बोलते हैं इसको, यानी और ये हमारा x एक्सिस है। तो फाइंड द एरिया बिटवीन कर्व y इक्वल टू x एंड ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू बी एंड x एक्सिस, इन दोनों के बीच जो घिरा हुआ क्षेत्र है, बाउंडेड मतलब इनके बीच में जो रीजन बन रहा है, उस रीजन का एरिया हमें बताना है। तो ये बताओ, ये जो शेप है, रीजन जो बन रहा है, जैसे हमने ये शेप दिया, ये रेक्टेंगुलर, इस रीजन का एरिया निकाला है, ये जो है रेक्टेंगुलर शेप है या सर्कुलर है तो फॉर्मूला है, लेकिन ये जो शेप बन रहा है रीजन का, वो ना रेक्टेंगुलर है, कोई फॉर्मूला यहाँ पर काम नहीं करेगा, यहाँ पर काम करेगा हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो क्या करना है बेटा, ये x इज इक्वल टू ए है और x इज इक्वल टू बी, तो इस रीजन का हमें एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर कैलकुलस का जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन वास्तव में एक समिशन को बोला जाता है, देखा होगा इस तरह से बनाया जा रहा है, तो ये सम का जो ये है s, तो उसी से बना है ये, मान के चलो। तो यहाँ पर समिशन है, तो लेकिन वो कंटिन्यूस समिशन है, तो यहाँ पर इस रीजन को निकालना है, तो आपको कैसे निकालना होगा बताओ, ये सेव रेक्टेंगल तो नहीं, सर्कुलर भी नहीं, ट्रायंगुलर भी नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिप बनाएंगे, और स्ट्रिप हमेशा पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है। स्ट्रिप जो बनेगी, स्ट्रिप का मतलब जो पट्टी बनेगी, वो हमेशा क्या होगा, वाई एक्सिस के समांतर बनेगी। ध्यान रखना बेटा, जो स्ट्रिप बनाएंगे हम, वो ऑलवेज पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, याद रखेंगे हमेशा स्ट्रिप ऑलवेज पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। ये कर्व है वाई इक्वल टू एफ एक्स, और ये हमारी x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो ये जो स्ट्रिप बन रही है, जो हमें दिखाई दे रही है, इस स्ट्रिप का ये देखो, हमने ऐसे कर दिया, इसको सेडेड कर दिया, तो ये जो स्ट्रिप नज़र आ रही है, ये पैरेलल टू y एक्सिस है। स्ट्रिप दो ही तरीके से बनती हैं इस चैप्टर में, या तो पैरेलल टू y एक्सिस या पैरेलल टू x एक्सिस, स्ट्रिप ऐसे टेढ़े नहीं बनेगी। स्ट्रिप दो ही प्रोसेस हैं, एक वाई एक्सिस के पैरेलल, एक एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ पर हमने वाई एक्सिस के पैरेलल, जब एक्स एक्सिस और कर्व और जो उसकी लाइन से उनके बीच का एरिया बाउंड कर, इस रीजन को निकालना, तो हमेशा आप पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस है, वो सेकंड वाले पॉइंट में बताएंगे। और किसी क्वेश्चन में दोनों तरीके से सॉल्व हो सकता है, तो वो कैसे होगा जरा देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो स्ट्रिप दिखाई दे रही है बेटा, इसकी जो थिकनेस है वो डी एक्स है, और dx बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, इनफाइनाइटली स्मॉल, जितना ज़्यादा स्मॉल कर सकते हो इसे स्मॉल करोगे। और इस स्ट्रिप की जो लेंथ है, इस स्ट्रिप की लेंथ का मतलब ये इसकी जो लंबाई है वो y है, और इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, dx है, बहुत ही ज़्यादा इनफाइनाइटली स्मॉल है, समझना। तो सर, ये स्ट्रिप बनाने का रीज़न क्या है बेटा, देखो जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, फिजिक्स में कई बार आपने कहा कि ये, जैसे मान लीजिए dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है कि नहीं होता है। आपने मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ये आपका सॉलिड स्फीयर है, कंडक्टिंग है, और आपने इसको कोई चार्ज की दिया प्लस q। अगर आपको मालूम है चार्ज जो होता है किसी भी कंडक्टर, पूरा सरफेस में चला जाता है। मान लीजिए अगर हमने थोड़ा सा पार्ट लिया किसी सरफेस का, तो इसको हम कहते हैं इस पर कितना चार्ज है, dq। तो इसी तरह से सारे dq को ऐड करोगे, कितना हो जाएगा सारा, क्यों हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसीलिए देखो dx का x के रिस्पेक्ट, तो एक प्रकार से इंटीग्रेशन फील करा रहा है आपका, सारे dq जितने भी एलिमेंट हैं, वो जो पूरा चार्ज है वो समझो हमने इनफाइनाइटली, जैसे मान लीजिए कोई सेब का टुकड़ा है, उस सेब के टुकड़े को अगर आप मान लीजिए आपने इलेक्ट्रॉनिक वाले जो वेट मशीन होती है उसमें देखा, उसका वेट आ रहा है 200 ग्राम, आपने उस सेब के दो टुकड़े कर लिए, फिर उन दो टुकड़ों को वहां पर रखा, तो फिर भी उनका समिशन मतलब जो वेट आएगा वो क्या होगा, 200 ग्राम है। मान लीजिए उस टुकड़े, उस सेब के टुकड़े के आपने बहुत छोटे छोटे पीसेस कर दिए, छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, और आपने कुछ उसमें से टुकड़े निकाल के उस इलेक्ट्रॉनिक मशीन में रखा, तो आपने उनको मेजर किया, फिर उसको दूसरे बर्तन में रख दिया, फिर इधर से उन्हीं से जो 200 ग्राम के टुकड़े हैं उन्हीं में से फिर दोबारा रखे, और फिर उनको मतलब जितना आ रहा है वेट उसको लिखते चले जा रहे हैं। इसी तरह से जब थोड़ा सा बचा आपने उसमें फिर रखा, उसको मेजर किया, फिर उसी बर्तन में रख दिया। आप जब देखोगे तो टोटल अगर उनको करोगे तो कितना आएगा, 200 ग्राम, मतलब जितना छोटे से छोटा टुकड़ा कर सकते हो। लेकिन सेब का टुकड़ा हम छोटा क्या, फिर उसको छोटा वही समझो, ये डी क्यू है, जितना छोटा सा छोटा हो सकता है उसका सरफेस। तो इसका जो एरिया होगा, जो ये हमने ये छोटा सा लिया, उसका सरफेस का एरिया क्या होगा, डी ए, क्या होगा, डी ए क्या होगा बताओ,
छोटा सा एलिमेंट लिया है तो उसका एरिया डी होगा। तो ये समझो, इसीलिए आप फिजिक्स में डी क्यू करते हो यूज। और डी क्यू का मतलब ये नहीं कि छोटा सा, मतलब वो जितना छोटा हो सकता है। मैंने कहा सेब के टुकड़े करोगे और छोटा करोगे और छोटा, जितना छोटा से छोटा हो सकता है वो हम डी यूज करते हैं। लेकिन आप जानते हो सबको ऐड करेंगे, जितने भी टुकड़े हैं उन सबको वेट को ऐड करोगे तो टोटल कितना आएगा, 200 ग्राम ही आएगा, यानी टोटल। तो थोड़ा इस तरह से हम इंटीग्रेशन को फील करेंगे। फिजिक्स में भी कई बार आप इस तरह से करते हो। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस स्ट्रिप की जो लेंथ है, इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा थिकनेस कम है dx, और इसकी लेंथ y है। तो वास्तव में आप क्या करना चाहते हो, हम क्या करना चाहते हैं, इस रीजन को, इनफाइनाइट स्ट्रिप को ब्रेक करके तोड़ना चाहते हैं, एक एक स्ट्रिप को ऐड करना। जैसे नहीं मैंने कहा सेब के टुकड़े किए मैंने तो सबके टुकड़े कर दिए, लेकिन सबको मैं अगर कहीं पर भी कोई भी उसका जो मतलब जो सेब है, सेब का टुकड़ा अगर कोई भी गायब नहीं करते, सब उसी मटेरियल उसी बर्तन में है, तो उनको आप फिर से रखोगे मशीन में तो वो 200 ग्राम ही देगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी हम ये कहना चाह रहे हैं कि मैं इसके जितने छोटे से छोटे जितनी स्ट्रिप बन सकती, मैंने कहा कितने स्ट्रिप बनेंगे इसके बीच में, तो ये नहीं कहोगे 10, मैंने कहा 20 बनाओ, फिर अपने कहा और बढ़ाओ 40, और ऐसे करो इनफाइनाइट स्ट्रिप बना दो। और सर क्या करना है, एक एक स्ट्रिप का एरिया निकालना है, इस स्ट्रिप का एरिया प्लस उसके बगल वाली स्ट्रिप का एरिया प्लस बगल वाली स्ट्रिप का एरिया, धीरे धीरे करके, मतलब ये जितनी भी स्ट्रिप होंगी सभी आपस में पैरेलल होंगी। मतलब हमें दिक्कत क्या है, हम इस शेप का एरिया अब कोई फॉर्मुलेशन निकालेंगे, हम यहां पर डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रयोग करेंगे, तो ये जो स्ट्रिप एक बनी है ऐसी इनफाइनाइट पैरेलल स्ट्रिप बनाएंगे। मतलब इस पूरे रीजन को हम स्ट्रिप से बना हुआ समझेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कोई रेक्टेंगल है मान लो, और इसमें हमने तीन पट्टियां लगाई, एक और ये दो और ये हो गया, इसका एरिया 2 है, इसका एरिया 2 है, इसका एरिया 4 है, और इसका एरिया मान लीजिए हमने कह दिया 1 है। तो अगर मैंने कहा इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया कितना है, 2 प्लस उसके बगल वाले का एरिया प्लस उसके बगल वाले का एरिया प्लस 1, इसका मतलब 4 और 4 8 और 1 9। समझ रहे हो तकनीक देख रहे हो, हमें मालूम नहीं है लेकिन हम इसको टोटल कैसे कर रहे हैं, यही चीज कर रहे हैं, इस तरह से ऐड करते चले जा रहे हैं और आपका टोटल पता चल जाएगा कितना होगा, मतलब हमें अमाउंट निकालना है। तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या करना है, इनफाइनाइट स्ट्रिप बना हुआ समझेंगे, एक स्ट्रिप बनाना हमेशा। तो क्या होगा इसका एरिया, ये रेक्टेंगुलर है कि नहीं, एक रेक्टेंगल टाइप की है, और रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो जो ज्यादा है उसको लेंथ बोलेंगे, डीएक्स कम है वाई ज्यादा है तो वाई लेंथ हो गई और डीएक्स थिकनेस हो गई, बी चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये इस स्ट्रिप का एरिया होगा, ऐड कर दिया। इसी तरह से जितनी भी ढेर सारी स्ट्रिप बन रही है सबका एरिया निकाल निकाल के ऐड करें, कहां से, ए से लेकर कहां तक, बी तक, ये हमने सारा एरिया कैलकुलेट कर दिया, इसी को कहेंगे एरिया। तो बहुत लोग सोचते हैं फॉर्मूला, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ये फॉर्मूला नहीं है बेटा, ध्यान रखना, मतलब ये तरीका बताया गया, हर क्वेश्चन में ऐसे करेंगे वाई और थिकनेस डीएक्स, तो वाई इंटू डीएक्स फील करते हो करना, फिर ऐड कर देंगे। अगर ऐसा ही हो जाए तो फिर किसी क्वेश्चन में दिक्कत ही ना, कभी डबल करना पड़ता है, कभी फोर टाइम्स, तो वो डिपेंड करता कैसा उसका ग्राफ है। तो इसलिए आप इसको फॉर्मूला समझ, लेकिन हाँ लगाना ये है, लेकिन आपको स्टाइल बदलनी पड़ेगी, ये इसको फॉर्मूला नहीं रटना, ऐसे तो कभी कुछ क्वेश्चन में डबल भी कर देते हम, तो वो ये फॉर्मूला थोड़ा ना करे डबल करना, तो ग्राफ भी आपको थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। तो इस स्ट्रिप की लेंथ कितनी हो गई वाई, चौड़ाई tx, तो इसी तरह से समझो ये इस स्ट्रिप का, भले हमने एरिया निकाला तो समझो ये स्ट्रिप प्लस उसके, तो इस सारी स्ट्रिप को ऐड करते हुए चले जाएंगे, कौन ऐड कर रहा है, इंटीग्रेशन a से b, ये क्या होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, ये जो वैल्यू निकाल के देगा ये निगेटिव भी दे सकता है, पॉजिटिव भी दे सकता है, हम जानते वो एरिया है, तो हम क्या करेंगे, मॉड लगा देंगे। याद रखना वाई निगेटिव भी हो सकता है, तो मॉड याद रखना इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, कभी अभी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे चल के हम बताएंगे कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया नहीं देता, हम उसको बनाएंगे इस तरीके से कि वो एरिया देगा। मान लो हमें मालूम है वाई निगेटिव है, तो माइनस का पहले से मल्टीप्लाई कर दो, या तो मॉड लगा दो, मॉड में क्या होगा, वो चीज निगेटिव भी बन रही होगी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखेंगे ये आपका आंसर है, अगर ये वाई वाई होगा, अच्छा वास्तव में इस स्ट्रिप की लेंथ को वाई क्यों, वास्तव में इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो वाई होगा, इसीलिए हम ऐसे अब स्ट्रिप एक्सिस के पैरेलल क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से आता है और यहाँ पर ये यहाँ ये अभी देखो वाई कोऑर्डिनेट, इसलिए कह रहे हैं एक्स एक्सिस अगर है
और बाकी कर्व और एक्स एक्सिस भी शामिल कर रखे कि एक्स एक्सिस इन दोनों लाइंस और कर्व के बीच का एरिया, तो आप हमेशा पैरेलल टू वाई एक्सिस बना, क्योंकि जमीन ये है तो यहां से हमारा मेजर हो जाएगा इस स्ट्रिप की लेंथ। जब हम स्ट्रिप ऐसे बनाएंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो उस स्ट्रिप की लेंथ को वाई नहीं कहेंगे, उस स्ट्रिप की लेंथ को एक्स कहेंगे और थिकनेस को डी एक्स नहीं डी वाई कहेंगे। तो ये इसका एरिया हो गया बेटा, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। चलो और आगे बढ़ेंगे नंबर सेकेंड। सेकेंड में क्या है, मान लीजिए कोई कर्व है इस तरीके से, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कोई कर्व दिया हुआ है, इस कर्व की इक्वेशन है वाई इक्वल टू एफ एक्स, और ये दो लाइन है, पहली लाइन है वाई इक्वल टू ए, दूसरी लाइन है वाई इक्वल टू बी। उस कर्व और दो लाइंस वाई इक्वल टू ए और वाई इक्वल टू बी और वाई एक्सिस के बीच का एरिया अगर फाइंड आउट करना है, कैसे एरिया निकलेगा बताइए, बात को समझिएगा। ये कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स और ये दो लाइन है y इक्वल टू ए वाई इक्वल टू बी और y एक्सिस के बीच का जो एरिया है उसको फाइंड आउट करना है, कैसे निकालोगे बताओ। बहुत इजी है, क्या करेंगे क्या करेंगे, आप एक स्ट्रिप खींचोगे पैरेलल टू x एक्सिस, एक स्ट्रिप खींचोगे पैरेलल टू x एक्सिस और इस स्ट्रिप की जो लेंथ हो गई वो लेंथ हो गई x और थिकनेस हो गई dy, इसकी जो चौड़ाई है वो dy है। तो इस स्ट्रिप का जो एरिया होगा वो कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, सबको ऐड कर दें, कहाँ से a से कहाँ तक b तक, यही क्या होगा बताओ, एरिया होगा बेटा। जितनी भी स्ट्रिप हैं इन सबको ऐड करते चले जाएंगे, सबका एरिया निकाल निकाल के ऐड करते चले जाएंगे, तो ये हमारा क्या होगा, इस स्ट्रिप का मतलब इस रीजन का एरिया होगा। तो इसको नोट कर सकते हैं। देखिए बेटा आगे देखिएगा, देखो कोई भी कर्व है, यहां पे लिख सकते हो एरिया बिटवीन कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी एंड एक्स एक्सिस, इनके बीच का क्षेत्रफल है, लिख लो फर्स्ट पॉइंट में लिख सकते हो। सेकंड में क्या लिखोगे, सब कुछ वही लिख देना, बस वाई लिख देना यहाँ पे, वाई एरिया बिटवीन वाई इक्वल टू ए वाई इक्वल टू बी एंड सॉरी कर्व वाई इज इक्वल टू एफ एक्स y इक्वल टू ए वाई इक्वल टू बी एंड वाई एक्सिस, वाई एक्स और y इक्वल टू ए वाई इक्वल टू बी बताना एरिया, इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल एरिया बिटवीन y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स इक्वल टू बी एंड एक्स एक्सिस, ये हो गया एरिया बिटवीन कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स वाई इक्वल टू वाई इक्वल टू बी एंड वाई एक्सिस। चलिए अब देखेंगे कैसे होगा, बेसिक से क्वेश्चन ले रहे हैं, थोड़ा समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए हमने आपको एक क्वेश्चन दिया, जैसे एक क्वेश्चन दिया फाइंड द एरिया बिटवीन y इक्वल टू टू एक्स जीरो एंड x एक्सिस, इनके बीच जो है क्षेत्रफल निकालना है, कैसे आएगा बताओ जल्दी। आपको बता दें, पहले एक बात बता दें, y इक्वल टू एम एक्स, ध्यान रखना इसको, नोट कर सकते हो y इक्वल टू एम एक्स, अगर हमारा m पॉजिटिव है, x का जो कोफिशेंट है पॉजिटिव है, ये ओरिजिन से पास होने वाली मतलब ओरिजिन से होकर जाती है लाइन, ये जो लाइन होकर जाती है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और नंबर सेकेंड अगर हमारा m नेगेटिव होगा तो ये लाइन कहाँ से होकर जाएगी, ओरिजिन से पास होगी लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट से पास होगी। m अगर हमारा क्या है बेटा, पॉजिटिव है, तो लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट से होकर जाएगी, ओरिजिन से तो होकर जाना ही है उसको,
और अगर हमारा m नेगेटिव है तो लाइन कहाँ से उकड़ जाएगी, सेकंड क्वाड्रेंट से उकड़ जाएगी, द्वितीय चतुर्थांश से उकड़ जाएगी। ठीक है, लाइन अगर हमारा m क्या है, पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से उकड़ जाएगी, और अगर m नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट से उकड़ जाएगी। नोट कर लीजिए, चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा। देखो मेन इधर से क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन आता है जी मेन में, वो आता है एरिया बिटवीन टू कर्व। ये तो हम एक्स एक्सिस ले रहे हैं, वाई एक्सिस ले रहे हैं, उसमें सवाल आएगा एरिया बिटवीन जो है टू कर्व, दो कर्व दे दिए जाएंगे उनके बीच का एरिया। चलो इसको बताना तो बेसिक सही है, यहाँ पर क्या करेंगे y इक्वल टू टू एक्स, y इक्वल टू टू एक्स क्या होगा, हम बिना डेफिनेट की मदद से भी इसे सॉल्व कर सकते। y इक्वल टू टू एक्स कितना होगा, ये ऐसे जा रहा है, y इक्वल टू एक्स बिल्कुल ऐसे जाता है बीचों बीच से ऐसे 45 45, लेकिन अगर ये बड़ा है तो जितना ज़्यादा होगा x कोएफिशिएंट उतना y x की तरफ ले लो, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर x इक्वल टू जीरो है और इसकी क्वेश्चन है y इक्वल टू टू एक्स, तो ये कितना होगा x इज इक्वल टू कहाँ तक, टू तक, तो ये हमें एरिया फाइंड आउट करना है इनके बीच जो एरिया। देखो कर्व है x इक्वल टू टू है, x इक्वल टू जीरो ये हो गया, और ये x एक्सिस, तो इनके बीच जो एरिया बन रहा है बाउंडेड बाय द रीजन, ये इन सबके द्वारा जो रीजन बाउंड हो रहा है उस रीजन का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, ये x इक्वल टू जीरो हटा दीजिए, यहां पर x इक्वल टू जीरो नहीं होगा, बस x इक्वल टू एंड x एक्सिस, तो देखो ये और ये हो गया। ठीक है, x एक्सिस हो गया, x एक्सिस हो गया, और क्या होगा, इन तीनों लाइन के बीच में केवल यही रीजन जो है बाउंड हो रहा है। ठीक है बेटा, तो इस रीजन को हमें फाइंड आउट करना है। x इक्वल टू जीरो का मतलब ये हो गया बेटा, देखो ये लाइन हो गई, समझ रहे हो ना बात को, तो इसमें गड़बड़ हो रहा है इन तीनों में, मतलब तीनों का जो है बाउंड्री के अंदर वो रीजन पड़ना चाहिए। अब ये x इक्वल टू जीरो तो पॉइंट है केवल x इक्वल टू जीरो, इसलिए यहाँ पर, और ये x मतलब है x इक्वल टू जीरो, ये भी लाइन है y एक्सिस, इसलिए मैंने हटा दिया उसको, y इक्वल टू टू एक्स, x इक्वल टू टू और x एक्सिस, ये यहाँ पर खुद ही कट करते हुए जा रही है, यहाँ से ये x एक्सिस इस और इनके बीच का एरिया निकालना है, तो क्या करोगे उसको हटा देना x इक्वल टू जीरो, क्या करेंगे इस एरिया को कैसे निकालेंगे बेटा। देखो जब भी हमने कहा जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मान लीजिए अगर हमने कहा इन तीनों के बीच में रीजन बाउंड हो रहा, तो इसी को कहोगे आप, मतलब तीनों के अंदर जो पड़े उसी को कहा जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए हमने x इक्वल टू जीरो, ये देखो लाइन अलग जा रही है, इससे कोई मतलब नहीं। अब ये लाइन जो आ रही है y इक्वल टू टू एक्स, अभी नहीं, ये ओरिजिन है ना, ये लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होती है। देखो हमने क्या किया, y इक्वल टू टू एक्स, जरा समझना, y इक्वल टू टू एक्स और x एक्सिस और x इक्वल टू टू, इनके बीच जो रीजन बन रहा है वो यही तो बन रहा है। आप खुद बताओ इसमें भी इसके मतलब इन तीनों के बीच में बने जो रीजन, ये देखो साफ साफ दिख रहा है, ये रीजन बन रहा है इस वाली लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में जो ये रीजन बन रहा है वो तीनों के बीच में यही बन रहा है, इसी को कहते हैं बाउंडेड, यानी उसके बीच में जो अंदर बंद हो रहा है उसी को तभी तो निकाल पाएंगे आप एरिया। तो ये बताइए, इसको डेफिनेट की मदद से भी कर सकते हो, क्या करोगे, अब ऐसी सोच लिया करो बस डायरेक्ट, अभी हम तो बना दे रहे हैं, तो आप सोच लिया करो बस, क्या होगा इस स्ट्रिप की लेंथ वाई थिकनेस डी एक्स, तो कितना होगा एरिया इस छोटी सी रेक्टेंगल का, छोटा सा एरिया होगा वाई इंटू डी एक्स, सारी स्ट्रिप को ऐड करो, कहाँ से ओरिजिन है यहाँ पर, कहाँ से जीरो से कहाँ तक, टू तक, तो ये हमारा क्या होगा एरिया हो जाएगा। अच्छा वाई कितना होगा, जीरो से टू, वाई कितना है, हैं टू एक्स डी एक्स, तो कितना होगा बेटा, जीरो से टू और एक्स डी एक्स कितना होगा बेटा, कितना होगा, एक्स की पावर टू डिवाइडेड बाय टू, नीचे बारह आ गया, जीरो से टू, टू से टू कैंसिल, अपर लिमिट रखो चार माइनस जीरो, कितना हो गया फोर,
इसका आंसर कितना हो गया? 4 हो गया। हाँ, 4 स्क्वायर यूनिट हो गया। अच्छा, इसका एरिया बताओ जरा, सर्कल का फाइंड एरिया ऑफ द सर्कल, इतना थोड़ा सा इसमें जानकारी दे दें। वैसे आप तो जानते हो सर्कल का एरिया क्या होता है, हमें फील कराना चाह रहे हैं आपको कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर कैसे आता है। एक्चुअल में बेटा आप बच्चों को बता दें, जब भी कोई क्वेश्चन दिया होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये कोई क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स इक्वल टू ए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, तो ये हमेशा एक सर्कल की क्वेश्चन होती है जिसका सेंटर ओरिजिन पर होगा। ध्यान देना, जिसका सेंटर कहाँ पर होगा? ओरिजिन पर। और इसकी रेडियस क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इक्वल टू में जो लिखा हुआ उसका अंडर रूट कर देना, वही रेडियस हो जाएगी, यानी आर कितना हो गया? ए, याद रखना, ठीक है। कोई सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हमेशा एक वृत्त का समीकरण है, सर्कल की क्वेश्चन है, और ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ पर है? ओरिजिन पर है, और ओरिजिन पर हो गया, और इसकी जो रेडियस होगी वो कांस्टेंट का अंडर रूट होगा। लेकिन ध्यान रखना, लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का टर्म होना चाहिए, और राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट लिखा हुआ है उसका अंडर रूट करोगे वही हमारा रेडियस होगी। जैसे देखो ये वाला, देखो इसमें देखिए बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इसका सेंटर कहाँ पर होगा सर्कल का? ओरिजिन पर, 0.0 पर, और रेडियस 3 होगी। आप बताओ अब क्या होगा सेंटर? 0.0 पर होगा, और रेडियस रूट 5। मान लीजिए 16, आप बताओ रेडियस कितनी होगी? 16 का अंडर रूट 4, और सेंटर 0.0। तो जरा मुझे बताइए इसकी रेडियस कितनी होगी? ए। एरिया कितना होता है? तो फिर ये हम क्यों पूछ रहे हैं आपसे? एक्चुअल में हम इसलिए पूछ रहे हैं, थोड़ा फील कराना चाहते हैं कि ये कैसे किया जाए क्वेश्चन। आप देखो ये फॉर्मूला नहीं काम करेगा वाई डी एक्स, यहाँ पे ग्राफ का भी यूज होगा। तो चलिए आइए समझते हैं कैसे होगा। हुआ किसी से? करके देखो जरा। देखिए इधर, देखिए बेटा कैसे होता है, इसको जरा समझिए। देखो बेटा कैसे होगा, समझिएगा। एक्चुअल में ये जो सर्कल है, जरा देखना इधर, ये पहले बना दिया जाए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हो गया बेटा। तो जानते हो बेटा इस सर्कल के 4 पार्ट हो गए, देख लो इस सर्कल के हमारे 4 पार्ट हो गए, 1, 2, 3, 4, और चारों के चारों इक्वल होते हैं। अगर इतने का एरिया 10 आ रहा है तो इसका एरिया भी 10 आएगा, इसने पोर्शन का एरिया भी 10 आएगा, इसका पोर्शन का भी एरिया। ये आपका फॉर्मूला नहीं बता रहा, ये हमारा ग्राफ बता रहा है। तो हम कभी कभी ये दिमाग लगाते हैं यार, जब इसका एरिया अगर 10 है, इसका एरिया 10 है, इसका एरिया 10 है, इसका दर्ज 10 है, इक्वल होगा, 4 इक्वल पार्ट हो गए, तो इस पूरे सर्कल का जो एरिया होगा वो कितना होगा बेटा? कितने हो गए बताओ? 40 हो गए कि नहीं हो गए बताओ? इसका मतलब 10 प्लस 10 20 और 10 30 और 10 40, इसका मतलब इस सर्कल का एरिया सबसे ज़्यादा 40 होगा। होगा कि नहीं होगा? मतलब एरिया होगा 40, ज़्यादा क्या एरिया होता है, ठीक है। तो ये बताइए, सबसे बेटर तरीका ये भी तो है कि एक पोर्शन का एरिया निकालें, उसमें 4 का मल्टीप्लाई, क्यों चारों को अलग अलग मेहनत करके निकालें? तो एक काम करते हैं हम, इसमें यही काम करते हैं हम, इसमें एक स्ट्रिप बनाते हैं, और स्ट्रिप क्या होगा? ये है, तो ये क्या होगा? इसकी लेंथ y हो गई और थिकनेस dx हो गई। तो आप क्या बताना है? इस एरिया को निकालना है, तो क्या करेंगे? y dx, इस स्ट्रिप का। अब बार बार डिटेल मत कि डायरेक्ट समझ लो, बस यहां पर दिक्कत है कि ये हमें खुद पता करना होगा कहां से स्ट्रिप को ऐड करना है। यहां से देखो, यहाँ से स्ट्रिप चालू होगी, तो यहाँ पर x कितना होगा?
जीरो, और यहाँ तक जाएंगे, ये कितनी रेडियस ए, तो यहाँ पे एक्स कितना है ए, तो जीरो से लेकर ए तक जितनी भी स्ट्रिप बन रही होंगी सबका एरिया निकाल निकाल के ऐड करते जाओगे, इतना एरिया निकल आएगा। लेकिन हमें पूरा सर्कल का एरिया कर निकालना है, तो इसका चार का मल्टीप्लाई कर दो, तो फोर इंटू जीरो से ए, हम जानते हैं किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन, एक्स के, तो कोई दिक्कत नहीं। जितने भी सवाल होते हैं हमेशा आप वाई की वैल्यू निकाल लिया करो, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उधर गया तो y इज इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर y लिख दिया जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर dx। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, x का, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और साइन इनवर्स x बाई ए, ये होगा कि नहीं होगा, तो इसको लिखेंगे 1/2 x, इसमें x का मल्टीप्लाई करोगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये कितना होगा, साइन इनवर्स x बाई ए, लिमिट हो गई 0 से a, 2 से कैंसिल हो गया 2, अपर लिमिट रखोगे 0 हो गया ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये होगा साइन इनवर्स कितना होगा बेटा 1, होगा कि नहीं होगा बताओ, a बाई ए 1, 0 रखोगे ये पूरा 0, ये 0 रखोगे तो पूरा 0, तो यहाँ से कह सकते हो एरिया इज इक्वल टू कितना होगा, 2 इंटू ए स्क्वायर और साइन इनवर्स 1 कितना होगा बेटा, पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो एरिया कितना हो गया, पाई ए स्क्वायर, तो ये किसका एरिया होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई ए स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना, इस स्ट्रिप का जो एरिया होगा, इस पट्टी का जो क्षेत्रफल होगा इस स्ट्रिप का, तो y यानी लंबाई इंटू चौड़ाई y इंटू dx, और इस सारी स्ट्रिप को ऐड करते चले जाएंगे और पूरा इसका इतने पोर्शन का एरिया जो भी होगा उसमें चार का मल्टीप्लाई करोगे, पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा, और y की वैल्यू यहाँ से निकाल के रखोगे और इसका इंटीग्रेशन करोगे, ये हो गया, और अब रख दीजिए अपर और लोअर, फाइनल आंसर आ गया पाई ए स्क्वायर, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया क्लियर। चलो आगे देखेंगे, देखो बेटा कभी कभी अगर मैंने कहा, जैसे अगर मैंने कहा फाइंड द एरिया बिटवीन y इक्वल टू मॉड x, x इक्वल टू माइनस टू, x इक्वल टू 3 एंड x एक्सिस, तो ये ग्राफ से ही हो पाएगा, तो कैसे करोगे बताओ, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, y इक्वल टू मॉड x क्या होगा, y इक्वल टू मॉड x क्या होगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा कि नहीं बनेगा, x इक्वल टू माइनस टू लाइन ये बनेगी, x इक्वल टू 3 लाइन ये बनेगी, तो इनके बीच में दो रीजन बन रहे हैं, देखो एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, जितने भी रीजन इन के आपस में बीच में बन रहे हैं उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो आप एक काम करो, कैसे निकालोगे, ये एरिया प्लस ये एरिया, तो क्या करेंगे, अब फॉर्मूला थोड़ा ना करेगा, आप समझ गए होंगे क्या होगा सॉल्यूशन, क्या करेंगे, एरिया क्या होगा, माइनस टू से जीरो, इसमें स्ट्रिप बनाओगे तो ये कितना होगा, इसका वाई कितना होता मालूम है, माइनस एक्स, एक्स नेगेटिव है, अरे यार वाई इक्वल टू मॉड एक्स है, एक्स जीरो छोटा मतलब नेगेटिव है, लेफ्ट डायरेक्शन में हुआ, अब जीरो के बाद राइट डायरेक्शन में, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, वाई इक्वल टू एक्स, तो कितना होगा, माइनस टू से जीरो कितना लिखेंगे, माइनस एक्स डी एक्स प्लस जीरो से थ्री, और ये कितना होगा एक्स डी एक्स, अब इन दोनों को ऐड कर देना, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आप सॉल्व कर लीजिए, कितना पूरा फाइनल, इसको ऐड, इसका कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई टू, और ये कितना होगा एक्स स्क्वायर बाई टू, ये कितना है, टू बाहर निकाल दिया, माइनस टू से जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू, और ये कितना हो गया, जीरो से थ्री कितना हो गया, माइनस वन बाई टू, अपर लिमिट हो गया जीरो, लोअर लिमिट हो गया फोर,
अपर लिमिट रखो 9 माइनस 0, इधर कितना होगा 2, ये 2 हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस 9/2, 13/2 स्क्वायर यूनिट हो गया भाई। 2 एलसीएम लोगे तो 2 × 4 और 9 13/2, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा दे रहे हैं उसका डेफिनेट से कोई लेना देना नहीं, बस एरिया बात कर रहा हूं और जरा देखें तुम लोग दिमाग लगा पाओगे नहीं लगा पाओगे। क्वेश्चन देते हैं, ये आपका आईआईटी 2005 में पूछा गया, एरिया की बात कर रहे हैं बस, केवल इसमें सुन लेना, मैंने हिंट भी दे दी, कोई डेफिनेट का यूज नहीं, केवल आपको दिमाग लगाना है केवल। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एरिया, चित्र भी दिया हुआ इसमें, द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल संभाव त्रिभुज, जो आपको डायग्राम दिया जाएगा वो एक संभाव त्रिभुज है, इन विच 3 क्वाइंस ऑफ रेडियस, क्वाइन कैसा होता है, सर्कुलर होता है कि नहीं होता है, तो 3 आपने जो सिक्के हैं उनको उस ट्राइंगल के बीच में रखा है, 1 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड एज सून इन द फिगर, इज ऑप्शन दे रहा है क्या, डायग्राम हम बता रहे हैं, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये देखो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला गया है और इसके बीच में 3 सिक्के इस प्रकार से रखे गए हैं जैसा डायग्राम में दिखाया गया है, एक सिक्का ये है, एक सिक्का ये है, तीनों का साइज इक्वल है क्योंकि रेडियस चित्र में भले अलग अलग लग रही हो लेकिन है इक्वल साइज के तीनों, रेडियस तीनों की क्या है, सेम है, 1 सेंटीमीटर लिखा है ना, रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो बोल रहा है इसका जो एरिया होगा इस ट्राइंगल का, ये ट्राइंगल को हमने नाम दे दिया ABC, इसका एरिया बताना है क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया है 6 + 4√3 स्क्वायर सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 4√3 − 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 7 + 4√3 स्क्वायर सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन है 4√3 स्क्वायर सेंटीमीटर, बताइए कैसे होगा। चलो देखो इधर कैसे होगा, जरा ध्यान देना, एक्चुअल में बेटा इस इक्विलेटरल ट्राइंगल, देखो इधर इस संभाव त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, देखिए क्या करना होगा, ये जो आपका ट्राइंगल दिया है इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो किसी भी तरीके से अगर हमें ट्राइंगल की साइड को अगर हमने पता कर लिया, इस संभाव त्रिभुज की अगर भुजा किसी भी तरह से पता चल गई तो √3/4 साइड का स्क्वायर, ये एरिया इस इक्विलेटरल, तो हम इसमें दिमाग लगा रहे हैं, एक्चुअल में ये पूरा एंगल क्या होगा, 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, सेंटर से मिलाओगे ये एंगल होगा 30 डिग्री और ये एंगल होगा 30 डिग्री, ठीक इसी तरह से इधर भी मिलाओगे ये होगा 30 डिग्री और उधर वाला होगा सर्कल में ऐसे ही होगा, ठीक ये सर्कल में होता है, अगर कहीं पर भी कोई पॉइंट लोगे इस पर जो टेंजेंट बन रही हैं उसके सेंटर से मिलाओगे तो वो एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, तो हमने क्या दिमाग लगाया, इसकी साइड पता चल जाए कैसे, इस पर परपेंडिकुलर डालो, इस पर परपेंडिकुलर डालो, ये रेडियस 1 है, ये रेडियस 1 है, जितनी ये होगी उतनी ये होगी, ये रेडियस 1 है, ये 1 है, आपको मालूम है किसी ट्राइंगल का अगर परपेंडिकुलर एक्स है और ये एंगल थीटा है तो उसका बेस मालूम है कितना होगा, कितना होगा मालूम है, एक्स कॉट थीटा होगा, कैसे देखो ये बेस पता करना है, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी
आधार बटे लंब, तो बेस कितना आ गया। तो आदत बना लीजिए, अगर परपेंडिकुलर एक्स है, एंगल उसके सामने वाला थीटा है, तो उसका बेस एक्स कॉट थीटा होगा। यानी ये वन है तो इसका जो बेस होगा वन कॉट 30 डिग्री, यानी रूट थ्री। सेम इधर भी होगा वन कॉट 30 डिग्री यानी रूट थ्री। तो जो साइड हो गई वो साइड कितनी हो गई, रूट थ्री प्लस टू प्लस रूट थ्री, यानी कितना होगा फाइनली साइड जो हो गई वो कितनी हो गई, टू प्लस टू रूट थ्री। तो स्क्वायर करो, यहाँ पर रखो, स्क्वायर करो जरा, रूट थ्री बाई टू फोर, टू प्लस टू रूट टू रूट थ्री का होल स्क्वायर कितना होगा, रूट थ्री बाई फोर, इसका होल स्क्वायर करेंगे फोर प्लस इसका स्क्वायर चार, बारह प्लस दो दूनी चार दूनी एट रूट थ्री। तो ये कितना होगा बेटा, रूट थ्री बाई फोर इंटू बारह में चार जोड़ोगे सोलह प्लस एट रूट थ्री, तो यहाँ से कितना होगा रूट थ्री बाई फोर, चार कॉमन लोगे कितना होगा चार प्लस चार से डिवाइड करोगे टू रूट थ्री, चार से चार कैंसिल तो फोर रूट थ्री प्लस मल्टीप्लाई करो फोर रूट थ्री और रूट थ्री रूट थ्री तीन दूनी छः, तो सिक्स प्लस फोर रूट थ्री, ये हमारा आंसर आ गया सिक्स प्लस फोर रूट थ्री, यानी ऑप्शन आपका ए पार्ट होगा। ठीक है, उसकी साइड पता कर लो, जैसे उसकी साइड पता चल जाएगी तो रूट थ्री बाई फोर साइड का स्क्वायर क्या होगा, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। आ जाएगी नहीं आ जाएगी बात समझ में, होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, कभी कभी हमें कोई डेफिनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, इजी हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ग्राफ से हो पाएगा क्वेश्चन, लिखेंगे आईआईटी 2002 में पूछा गया है, क्वेश्चन है द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स, इन स्क्वायर यूनिट्स बाउंडेड बाय द कर्व। कि कोई डेफिनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल ग्राफ, एंड वाई इक्वल टू माइनस मॉड एक्स प्लस वन इज पहला ऑप्शन है वन, दूसरा ऑप्शन है टू, तीसरा ऑप्शन है टू रूट टू, चौथा ऑप्शन है फोर। जरा देखें कितने लोग निकाल पाते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत इजी है। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, इन दोनों कर्व के द्वारा एरिया पूछ रहा है। अच्छा ये बताओ मॉड एक्स का कैसे बनता है ग्राफ, मॉड एक्स का कैसे, इस तरह से बनेगा ना वी शेप में, इस तरह से। और आप जानते हो माइनस वन का मतलब किधर खिसका दो, नीचे खिसका दो। चलो भाई नीचे खिसका दिया, एक्स एक्स वाई एक्स, तो ये हमारा वन। ध्यान रखना किस पॉइंट पे कट करेगा, माइनस वन और ये वन, और ये मालूम है ये कहाँ खिसक जाएगा, ये जीरो, पहले जीरो पे जीरो मिल रहा था, अब जीरो पे क्या मिलेगा, तो ये माइनस वन होगा, ये मतलब माइनस वन पॉइंट होगा, वाई की वैल्यू माइनस वन होगी यहाँ पर। और ये दूसरा सेम वही है, इस ग्राफ को उल्टा करके ऊपर वन शिफ्ट कर दो, इसका मतलब बिल्कुल वैसे ही जाएगा। एक पार्ट का अगर एरिया पता चल जाए तो क्या कर देंगे, चार इक्वल पार्ट है सब कुछ, तो इतने का ये कितना होगा बताओ, ये वन होगा ना, जीरो पे वाई कितना आ रहा, वन, तो बेटा ये वन है और ये हमारा वन है, तो इतना एरिया कितना होगा, वन बाई टू बेस इंटू हाइट, और इसमें चार का मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया आंसर, कौन सा ऑप्शन हो गया। ठीक, कितना इजी है, कोई डेफिनेट की जरूरत नहीं पड़ रही, ग्राफ से हो जा रहा। और कुछ चीज़ें नोट करके लिख लीजिए, इसको डिटेल में भले हम बाद में बता देंगे, लेकिन अभी नोट कर लीजिएगा, ये ट्रिक की तरह यूज कर सकते हैं हम। पहला, एरिया बिटवीन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू वाई, कुछ भी लिखाओ,
ये x का कोएफिशिएंट है और ये y का कोएफिशिएंट है, डायरेक्ट एरिया बिटवीन एज इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को के म्यू डिवाइडेड बाय ऑलवेज 3 कर दो। एग्जांपल के लिए बहुत गजब की ट्रिक है, जैसे आप इसको करते हो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, ये 12th का क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सिद्ध करो इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल जो है 16/3 AB होगा। देखो हम इसके देखो ट्रिक से करेंगे, लीनियर वाले का कोएफिशिएंट ध्यान रखना, ये हो सकता है इधर आ जाए तो आपको इसका केवल लीनियर वाले कोएफिशिएंट लेने, वैसा तो लिखा नहीं होगा भाई, उनमें कोई मतलब नहीं होता। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है तो अब उल्टा हो जाएगा, जिसकी पावर 2 है इसमें वाई की पावर 2 एक्स की पावर, अब दूसरे क्रम में क्या होगा उल्टा हो जाएगा, इसकी पावर 2 उसकी पावर 1 होगी। तो जो लीनियर है उनके जो कोएफिशिएंट, लेकिन यूनिटी वाले जो स्क्वायर है उनका कोएफिशिएंट यूनिटी बनाना पड़ेगा। तो बताओ कितना होगा इन दोनों के बीच का एरिया, तो क्या करेंगे लीनियर वाले का कोएफिशिएंट दूसरे वाले लीनियर वाले का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय 3 16/3 AB। देखो कितनी जल्दी आ गया, डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन आप 12th में नहीं ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते, कोई बच्चा अगर 12th में तो इस्तेमाल ना करना, डायरेक्ट करोगे नंबर भी डायरेक्ट मिलेंगे। नंबर सेकेंड, 4x एंड 2x² इज इक्वल टू 5y, निकाल लोगे इनके बीच का एरिया, क्या करोगे, या तो ऐसे याद रखो k इंटू म्यू दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर 1/3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना होगा 1/3 इंटू क्या होगा 4/3 इंटू 5/2, कितना हो गया 2 × 10 बाई, देखो कितनी गजब की कमाल की ट्रिक हो गई, ये तो बहुत ही बेहतरीन ट्रिक हो गई बेटा, इसमें बहुत टाइम बर्बाद होता है, करके दिखाएंगे अभी हम आगे चल के, जब बताएंगे एरिया बिटवीन टू कर्व वहां पर ये बताएंगे, इसका इस्तेमाल करके दिखाएंगे कि कैसे होता है, ठीक है, हो गया ना क्लियर। चलो नंबर सेकंड पॉइंट, और ये भी क्वेश्चन है 12th में, ये भी क्वेश्चन है 4ay इनके बीच का 16/3 A² ये प्रूव करना है, तो क्या होगा थर्ड एग्जांपल दे दें, क्या होगा एरिया कितना होगा 1/3 लीनियर वाले का ऑप्शन दूसरे वाले में लीनियर का ऑप्शन 16/3 A और a² तुरंत आ गया आंसर, ठीक है। लेकिन आप इसको जो है डिटेल में करते हो 12th में, यहाँ पे देखो ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यही क्वेश्चन जी मेन में इस टाइप का क्वेश्चन आए तो तुरंत आप ट्रिक लगा के, ऐसा नहीं कि आपको सर ये आएगा ही नहीं इस टाइप का सवाल, अभी बता रहे हैं जी मेन 2019 में एक क्वेश्चन आया जिसमें हमारी टेक्निक तुरंत काम करेगी, तुरंत आंसर आएगा, लिखेंगे आगे। सेकंड पॉइंट क्या है जरा लिखेंगे, सेकंड में है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू स्मॉल ए, क्या होगा ए कोई पॉजिटिव नंबर होगा, पहली बात याद रखना है ये स्क्वायर बनता है, इसका अगर ग्राफ बनाओगे एक स्क्वायर बनेगा विद साइड, जिसकी साइड क्या होगी √2, इसमें √2 का मल्टीप्लाई कर देना, ये होगी उसकी साइड, और जो एरिया होगा साइड का स्क्वायर 2a², इसके स्क्वायर में 2 का मल्टीप्लाई कर दो। गजब की ट्रिक है, कोई भी टाइप का क्वेश्चन एग्जांपल के लिए मैंने कहा यार तुम तो परेशानी हो जाओगे इस सवाल को देख के, अगर क्वेश्चन आ गया मान लो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, तो ये हमेशा एक स्क्वायर बनाता है, उसकी साइड क्या होगी, उसकी साइड की लेंथ क्या होगी, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना है √2 का, और उसका एरिया कितना होगा इसका स्क्वायर कर दो, मतलब उसके स्क्वायर में 2 का मल्टीप्लाई करना है, 4 × 2 = 8 ही होगा, करके भी देख लीजिए। और वास्तव में इसको तो हम बता भी सकते हैं, ये एक्चुअल में क्या होता है, ऐसा ग्राफ बनाएंगे कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे ग्राफ बनेगा, तो ये a हो गया और ये a हो गया, तो ये √2a आ जाएगा। और ये ग्राफ कैसे बनाओगे, जब आप लिखोगे मॉड वाई इज इक्वल टू ए माइनस मॉड एक्स, तो सबसे पहले वाई इज इक्वल टू ए इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, मॉड एक्स का कैसे बनता है, ऊपर की तरफ माइनस का नीचे की तरफ, माइनस का नीचे की तरफ, a ऊपर उठा दो, और जब किसी में y मॉड लगाते हैं, याद करो, याद आ रहा है कुछ, जब y में मॉड लगाते हो तो नीचे वाले ग्राफ को हटा देते हैं और जैसा ऊपर है वैसा है नीचे बना देते, तो बन गया कि नहीं बन गया स्क्वायर,
ठीक, ये आपको ग्राफ में बताया था। चलो ये दो टेक्निक, एक पॉजिटिव होनी चाहिए। हाँ ए पॉजिटिव तो फिर मतलब ही नहीं होगा ना, फिर पॉसिबल ऐसी एक्स वाई की वैल्यू एग्जिस्ट है भाई। दो ये दो पॉजिटिव नंबर हैं और मान लो हम लिख दें माइनस टू, ये कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कहीं पर, एक्स एक्स वाई एक्स बनाओगे कहीं पर कोई पॉइंट ही नहीं सोव हो पाएगा, कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा इसको भाई। जो सेटिस्फाई होगा उस पॉइंट को बनाएंगे, उन्हीं का कलेक्शन से ग्राफ बनेगा। जब पॉइंट ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा तो कहाँ खाली है, ठीक है ना, कोई एरिया का मतलब ही नहीं है यहाँ पर। चलो आगे देखेंगे, एक क्वेश्चन देते हैं जो हमारी जो पहला पॉइंट लिखा है उस पर देखो ट्रिक पर क्वेश्चन क्या है। देखिएगा क्वेश्चन है जी मेन 2019, ये क्वेश्चन है 10 जनवरी शिफ्ट वन में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है जरा लिखेंगे, इफ द एरिया इनक्लोज्ड, इफ द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व्स y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर, k ग्रेटर देन जीरो इज वन स्क्वायर यूनिट, देन k इज, पूछ रहा है k क्या है, पहला ऑप्शन है रूट थ्री, दूसरा है वन बाई रूट थ्री, तीसरा है टू अपॉन रूट थ्री, चौथा ऑप्शन है रूट थ्री बाई टू। इफ द एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व, ये दो कर्व के बीच का एरिया कितना है, देखो काम आ रही कि नहीं आ रही ट्रिक, वन स्क्वायर यूनिट, तो देखो तुरंत काम आ रही है। यहाँ पर देखो उसमें स्क्वायर लीनियर कोएफिशिएंट कितना है, वन बाई सॉरी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, वन बाई के वाई, इधर कितना होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई के एक्स हो गया। तो यहाँ पर कितना है, वन बाई के इंटू वन बाई के इंटू वन बाई थ्री इज इक्वल टू कितना एरिया, वन, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई थ्री, तो के पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, प्लस माइनस आएगा लेकिन पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। देखो तुरंत आंसर आ गया, कोई ग्राफ बनाने की जरूरत, तुरंत आंसर आ गया। वो इंटरमीडिएट का मेथड लगाओगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के टर्म में, उन्हीं को परेशान हो जाओगे, उसमें वाई वन माइनस वाई टू करना पड़ेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे देखो कितनी कमाल की ट्रिक है कि दो कर्व आपको दिए हैं, एक वाई इक्वल टू, एक लीनियर वाला जो है उसका कोएफिशिएंट लेना है, इसमें देखो घुमा के लिखा है ये के ना कर देना, वहाँ पर लीनियर वाले कोएफिशिएंट यूनिटी बनाना पड़ेगा, वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो उन दोनों का कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना साथ में वन बाई थ्री, ये एरिया होगा और ये कितना दिया हुआ है, वन के इक्वल दिया हुआ है, तो वन के इक्वल के यहाँ से के की दो वैल्यूज आएंगी, एक माइनस वाली भी आएगी, लेकिन उन्होंने कहा था के पॉजिटिव होना चाहिए इसलिए हमने प्लस माइनस माइनस नहीं लिया, केवल पॉजिटिव वैल्यू। इसका आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा, हो गया। कौन सा आंसर आ रहा, देखो बेटा इधर देखो, सुनो जरा, कभी भी देखो इधर सुनो बेटा, ए फाइव की पावर एक्स इज इक्वल टू टू दिया हो, मान लो सपोज दैट, एक बात बता रहे, देखो इधर ध्यान दो,
अगर हमें पावर को निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक डायरेक्ट तरीका है, वो बात ठीक है, लॉग लोगे, डायरेक्ट एक ध्यान रखना पावर इक्वल टू, दूसरी तरफ लॉग लिखना है, इससे ये बेस हटा देना बस, लेफ्ट साइड से बेस हटा देंगे तो पावर लिख दिया इक्वल टू, और लॉग लिखना है राइट साइड में, और इस जिसको हटाया वो यहाँ पर आ जाएगा। हुआ डिटेल में कैसे है, दोनों तरफ लॉग लिया विद बेस फाइव, जो इस नंबर पर पावर लगी है वही बेस का लॉग लेना पड़ता है आपको, तो लॉग टू द बेस फाइव, तो ये क्या होगा एक्स लॉग फाइव टू द बेस फाइव, और यहाँ पर लॉग टू द बेस फाइव, और आप अच्छे से जानते हो लॉग ए टू द बेस ए वन होगा, तो ये वन हो गया, एक्स इंटू वन इज इक्वल टू लॉग टू द बेस फाइव, एक्स इज इक्वल टू लॉग टू की बेस फाइव, ये एक्स की वैल्यू हो गई, एक्स की वैल्यू हो गई कि नहीं हो गई, तो ये आपको ध्यान रखना है x इज इक्वल टू लॉग टू द बेस फाइव, तो ये समझ में आ गया। तो इसी तरह से अगर हमने लिखा है सेवन की पावर x इज इक्वल टू थ्री, तो x इज इक्वल टू क्या होगा लॉग थ्री बेस सेवन, ये होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए हमने लिख दिया फाइव की पावर x इज इक्वल टू सेवन, तो x इज इक्वल टू लॉग सेवन बेस फाइव, यानी आपको क्या करना है, पावर कभी भी निकालनी हो तो पावर को निकालने का एक ट्रिक हो गई, क्या करना है बेस हटा देना है, राइट साइड में लॉग लिखना है, लेकिन जिसको हटाया है उसी को बेस में लिखना है। ये कहाँ चला गया, ये इसके बेस में चला गया, ऐसे समझो, ठीक है। तो अब जरा देखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो क्या कह रहा है, एरिया ऑफ द रीजन, उस क्षेत्र को बताना है बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइंस, एक्स एक्सिस वाई, ये हो गई वाई एक्सिस, तो वाई इक्वल टू ये हो गया, x इक्वल टू जीरो का मतलब ये लाइन हो गई, x इक्वल टू जीरो किसको बोलते हैं, x इक्वल टू जीरो किसको बोलते हैं, y एक्सिस को बोलते हैं, y एक्सिस और y इक्वल टू e, और ये कर्व है, इनके बीच जो एरिया बाउंड हो रहा है वो ये है। तो इस एरिया को निकालना है तो बहुत इजी है, यहाँ पर स्ट्रिप बनानी पड़ेगी किसके पैरेलल, क्योंकि ये वाले जो e माइनस वाले छोड़ो, ये हो सकता ही हो, तो कितना होगा इसकी लेंथ कितनी हो गई x और थिकनेस कितनी हो गई dy, तो कितना होगा बेटा इसका एरिया कितना होगा x इंटू डी वाई, और कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पर ये तो आपको मालूम है ना कितना होता है, जीरो कॉमा वन होगा, x जीरो रखोगे y कितना होगा वन आएगा, x जीरो रखो इसमें तो वन आएगा, तो वन से कहाँ तक e तक, और यहाँ से ये आंसर आ गया, तो वन से ई वाला कोई है ऑप्शन नहीं है। अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स की वैल्यू रख दो, ई की पावर एक्स इज इक्वल टू वाई, तो क्या होगा लॉग, सॉरी एक्स इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू क्या होगा लॉग वाई, या क्या लिख सकते हैं एल एन वाई, बेस में क्या है ई है, तो यहाँ पर लिख देंगे एल एन वाई और डी वाई, इसका मतलब ये आंसर सही है और ये वाला भी आंसर सही है, प्रॉपर्टी लगाओगे वन प्लस वन प्लस ई माइनस वाई, ये भी क्या है सही है, नहीं है समझ में, अरे प्रॉपर्टी नहीं होती डेफिनेट की, ए प्लस बी माइनस एक्स, तो यहाँ पे ए प्लस बी माइनस एक्स नहीं रखेंगे, यहाँ पे ए प्लस बी माइनस वाई रखेंगे, तो बिल्कुल इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही चल रहा है ये ऑप्शन। अब इन दोनों का ऑप्शन का पहले इसको निकाल लें, ये बताइए कितना है, इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, वाई अगर ई है तो रखो ई, एक्स कितना होगा वन, वाई अगर ई है तो एक्स की किस वैल्यू के लिए होगा वन, इसका मतलब x क्या है ये वन है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ वन हो गई, और ये y कोऑर्डिनेट है तो ये कितना होगा e होगा, तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा e होगा कि नहीं होगा वन इंटू ई, और माइनस करेंगे नीचे वाले पोर्शन का एरिया, नीचे वाले पोर्शन का एरिया कैसे निकालेंगे y dx और जीरो से e, सॉरी जीरो से वन, सॉरी वन, जीरो से वन हो गया, तो ये हो गया e माइनस वाई की जगह e की पावर x dx एक्स जीरो से वन, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी सही है। अब ये सही है कि नहीं, सो कैलकुलेशन कर लो, e की पावर x का e की पावर x और लिमिट जीरो से वन, e माइनस e की पावर वन माइनस e की पावर जीरो, तो e माइनस e प्लस का वन, e की पावर जीरो वन हो गया, कैंसिल हो गया वन, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, इसका मतलब इसके आंसर क्या हो गए बी और सी और डी। बोलो कहते सर इसको निकाल लीजिए, हो सकता ही आ जाए, अरे वो कैसे आ जाएगा, एरिया तो एक ही आएगा ना, वन आ रहा है, चाहे किसी भी मेथड से निकालो एरिया तो वन आएगा।
तो ये कैसे आ जाएगा, ये इसको सॉल्व करने से क्या फ़ायदा, ये सॉल्व कर लो। आई बात समझ में? यहाँ पर देखो आपको लगा यार ये आंसर आ रहा है, जबकि ये भी सही है। डेफिनेट की प्रॉपर्टी से दोनों का जोड़ माइनस वाई, एक्स के रिस्पेक्ट में होता तो माइनस एक्स, वाई के रिस्पेक्ट में होता तो वन प्लस ई माइनस वाई रख सकते हो, बिल्कुल रखा गया है। इसलिए हमारा बी भी आंसर सही है, सी भी आंसर सही है, और डी तो पहले ही आ गया था आंसर। देखिए इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया इस तरह से। चलो आगे देखेंगे, एक और नोट करके लिख। देखो बेटा यहाँ पर क्या है, वाई इक्वल टू ई एक्स ई की पावर एक्स, आपने ग्राफ बनाया, ठीक। ये ग्राफ बनता है ऐसे, ये जहां पर y एक्सिस को कट कर रहा है x जीरो रख दो। x जीरो रखने का मतलब है कि y कितना आएगा, e की पावर जीरो वन आ गया। तो हमने क्या किया बेटा, इस इतना एरिया निकालना है, ये तो पूछ रहा है y इक्वल टू ई वाई एक्सिस और इनके बीच का एरिया निकालना है। तो हमने क्या किया बेटा, देखो इसकी लेंथ को मान लिया x, इस स्ट्रिप की लेंथ को मान लिया x, और इसका जो थिकनेस है उसको मान लिया dy। तो इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी x इंटू डी वाई, इस स्ट्रिप की लेंथ हो गई। x की वैल्यू कैसे निकालोगे, e की पावर x इज इक्वल टू y है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, log y टू द बेस e, यानी उसको ln y लिख सकते हो। तो यहां पे रख दिया, इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, और जो इसके ऊपर ऑप्शन लिखा हुआ था वो भी सही, वो क्या लिखा था, वन से ई ln e प्लस वन माइनस वाई डी वाई, ये भी तो सही है। क्यों, जब इसमें प्रॉपर्टी लगाओगे वो वाली याद करो, सेकंड प्रॉपर्टी a प्लस बी माइनस एक्स, लेकिन यहाँ पर a प्लस बी माइनस वाई, तो ये बिल्कुल सही हो गया। अब ये दिक्कत कर रहा है, चलो ये सही है, ये x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, देखो y के, तो इसका मतलब ये हुआ हमने दिमाग लगाया कि एक दूसरा भी तरीका है इस एरिया को निकालने का। हमने क्या किया, इस पर परपेंडिकुलर डाला इस तरह से, हमें मालूम था वाई ई है, इसका मतलब इस पर जितने भी पॉइंट हैं सबका वाई कोऑर्डिनेट ई, तो ये भी पॉइंट है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट ई होगा। हम पता करना चाह रहे थे यहाँ पे का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसके लिए हमने वाई की जगह ई रखा, तो पता चल गया एक्स इक्वल टू वन, यानी यहाँ पर एक्स वन होगा। इसका मतलब ये लेंथ आपकी वन हो गई, और वाई ई का मतलब ये लेंथ ई हो गई। तो इस रेक्टेंगल का पूरा एरिया निकालना है, और इस रेक्टेंगल के एरिया में इतना एरिया नीचे वाला पोर्शन माइनस कर दिया जा रहा है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 1 इंटू ई, और इतना एरिया माइनस कर दिया तो आपका इतना एरिया निकल के आ गया। तो 1 इंटू ई, ये आपने पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाला और इतने एरिया को माइनस कर दिया, वाई डी एक्स, ये सॉरी इतना एरिया, ये हमने निकाल के नहीं दिखाया, वो तो आप स्ट्रिप बनाना तुम समझ गए क्या किया होगा। वाई इंटू डी एक्स लिमिट डालना सीख लो, जीरो से वन। बेटा यहाँ पर स्ट्रिप बनाएंगे ना, बार बार नहीं बना रहे, इस स्ट्रिप की लेंथ हो गई y और थिकनेस dx, तो यहाँ से स्ट्रिप चालूंगी, यहाँ पे x कितना है जीरो, तो ये सारी स्ट्रिप धीरे धीरे करके सबको ऐड करते चले जाओ, कहाँ तक, जीरो से वन तक। तो इस पूरे एरिया में इतना एरिया माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग हमारा पोर्शन का एरिया निकल के आ जाएगा। चलो आगे लिखेंगे एक नोट करके, ये भी ट्रिक की तरह यूज करेंगे, बाद में इसको डिटेल में समझा दें कैसे हुआ। इसे मान लीजिए कोई लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स है, एरिया बिटवीन एम एक्स एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स, ये पैराबोला होता है, ये लाइन होती है, इनके बीच का जो एरिया होता है वो होता है 8 बाई थ्री ए स्क्वायर एम क्यूब। अच्छा ए कैसे आता है बेटा, ध्यान देना, स्मॉल ए निकालने का एक स्टाइल होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ये पैराबोला में हम बताएंगे, जो लीनियर होगा ना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ही होना चाहिए। तो जो लीनियर है उसका जो कोफिशेंट है उसमें 4 का डिवाइड करना, इससे कंपेरिजन करोगे तो 4a इज इक्वल टू कितना हो गया, तो a कितना हो गया, तो वही तो हम कह रहे हैं डायरेक्ट, हम तो डायरेक्ट बता रहे हैं ना, ये मत करो, आपको जो लीनियर है उसके कोएफिशिएंट, इसको यूनिटी बनाने के बाद लीनियर में 4 का डिवाइड करके जो आएगा वो हमारा स्मॉल ए होगा, इसमें रख देना। एम कैसे आएगा, जो लाइन में वाई का कोएफिशिएंट 1 यूनिटी बना के जो एक्स का कोएफिशिएंट होगा वो एम होगा। जैसे हमने एक क्वेश्चन दिया वाई इज इक्वल टू 2x एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, इनके बीच का एरिया बताओ क्या होगा, एरिया बिटवीन, तो क्या होगा आंसर, आंसर क्या आएगा बताओ, एरिया क्या होगा, 8 बाई थ्री ए कितना है, स्मॉल ए कितना है, इसमें 4 का डिवाइड करो 3, तो 3 का स्क्वायर यानी 9, एम कितना है, ये एम है एक्स का कोएफिशिएंट,
एम कितना है, दो, दो का क्यूब करो आठ, आठ से आठ कटेगा, तीन तीन या नौ, यानी ये हो गया तीन। एक्चुअल में अगर इसका ग्राफ बना के देखेंगे, ये आगे अभी बताएंगे, आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे, कल वाले टर्न में बताएंगे कैसे हुआ। देखिए ये y इज इक्वल टू एम एक्स, ये लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स ऐसे बनेगी, ठीक, ये आपके लाइन ऐसे बनती है ओरिजिन से पास हो रही, और जो पैराबोला कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो ये जो हमने निकाला है वो ये निकाला है, देखो ये इन दोनों के बीच का जो एरिया बाउंड हो रहा है वो कितना होगा, वो ट्रिक की तरह यूज करना है, 8/3 ए स्क्वायर अपॉन 3m³। जैसे एग्जांपल के लिए एक और दे रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स, बताओ कितना होगा एरिया, बोलो कितना होगा, 8/3 स्मॉल a कितना है 1/4 का होल स्क्वायर, और नीचे लिखो m, m कितना है, एम तो वन वन लिखने कोई फायदा नहीं, कितना होगा 8/3 इंटू 1/16, तो ये कितना होगा 8 × 16, यानी आंसर कितना होगा 1/6 स्क्वायर यूनिट। ऐसे निकालते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड वाई इक्वल टू एम एक्स, ये आप इन दोनों के बीच एरिया क्या होगा 8/3 ए स्क्वायर एम क्यूब। ए कैसे निकालना है पैराबोला, ये पैराबोला है जो लीनियर है, स्क्वायर वाला क्वेश्चन यूनिटी बनाने के बाद जो चार का डिवाइड करके जो आएगा वो स्मॉल ए होगा, और यहाँ पर जो एक्स का क्वेश्चन है वाई को यूनिटी बनाने के बाद वो क्या होगा एम होगा। तो ज़रा लिखेंगे, एक क्वेश्चन पूछा गया है जेई मेन में, इस ट्रिक का इस्तेमाल होगा वहाँ पर, ज़रा देखते हैं आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। लिखिएगा जेई मेन 2019, जी मेन 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, यह 12 अप्रैल शिफ्ट 2, शिफ्ट 2 का क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है इफ द एरिया स्क्वायर यूनिट्स बाउंडेड बाय द पैराबोला, बाउंडेड बाय द पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4λx एंड द लाइन वाई इज इक्वल टू λx, लेमडा ग्रेटर देन 0 इज 1/9, 1/9 है, देन लेमडा इज इक्वल टू, लेमडा बताना है किसके इक्वल होगा, पहला ऑप्शन है 2√6, दूसरा ऑप्शन है 48, तीसरा ऑप्शन है 24 और चौथा ऑप्शन है 4√3, बताइए कौन सा आंसर होगा। चलिए अब देखिए कैसे होगा, बताइए कितना आ रहा आंसर, 24 आ रहा है, हो गया ना जी, देखो ये m हो गया और a कितना होगा लेमडा होगा और m हमारा लेमडा, तो यहाँ पर आंसर जो आएगा 8/3 a स्क्वायर यानी लेमडा स्क्वायर और डिवाइडेड बाय m, m कितना है लेमडा क्यूब, इज इक्वल टू कितना दिया एरिया 1/9, एक लेमडा स्क्वायर कट गया तो एक लेमडा बच गया, ये पूरा लेमडा स्क्वायर चला जाएगा, लेमडा बचेगा इधर, तो ये तीन तीन नौ, तो इधर आएगा 24 इज इक्वल टू लेमडा, यानी लेमडा इक्वल टू 24, यानी आंसर हमारा सी पार्ट होगा। इस तरह से क्वेश्चन को किया जाता है। देखिए एक क्वेश्चन लिखिएगा बेटा, इफ द एरिया, लिखिए क्वेश्चन, इफ द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड y इक्वल टू mx इज ए स्क्वायर बाई 3, देन द वैल्यू ऑफ m इज, m का मान है 2, दूसरा ऑप्शन -2, 1/2, चौथा ऑप्शन हो गया 1। बताइए कैसे होगा? हो गया ना बेटा? क्वेश्चन में कह रहा है इफ द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, इन दोनों कर्व के द्वारा जो एरिया बाउंड हो रहा है वो 8/3 ए स्क्वायर अपॉन एम क्यूब होगा। अब वो कितना दिया है? ए स्क्वायर बाई 3, तो ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, 8 इज इक्वल टू एम क्यूब, तो एम क्यूब इज इक्वल टू 2 क्यूब, और यहाँ से देख सकते हो एम इज इक्वल टू 2। इसका मतलब आंसर क्या होगा? ए पार्ट। कितना इजी क्वेश्चन है और आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है सॉल्व। बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हो गया बेटा? कोई भी दो कर्व के बीच का एरिया निकालना है। अब हम आपको उसको तो नेक्स्ट टर्न में बताएंगे कि एरिया बिटवीन टू कर्व, मतलब दो ही कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें, एक तो जो हमने आज बताया और दूसरा है, मतलब छोटा टॉपिक है, बाकी इसके लिए डेफिनेट आना चाहिए, डेफिनेट आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। बहुत ईजी है क्वेश्चन करना। नेक्स्ट लिखिए, एरिया लाइंग बिटवीन, एरिया लाइंग बिटवीन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड y इक्वल टू 2x इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन है 2/3, दूसरा ऑप्शन है 1/3, तीसरा ऑप्शन है 1/4, चौथा ऑप्शन है 1/2। बताओ क्या होगा? इनके बीच जो क्षेत्रफल बन रहा है उसको निकालिए, क्या होगा? क्या आएगा? स्मॉल ए 1 आएगा एक्स कोएफिशिएंट, और एम कितना आएगा? 2 आएगा। इनका एरिया कितना होगा? 8/3 ए स्क्वायर अपॉन एम क्यूब, 8/3, ए कितना है? 1 का स्क्वायर 1, एम होगा 8, कैंसिल हो गया, 2 रखो 2 का क्यूब 1/3, यानी ऑप्शन बी आंसर हो गया। इनके बीच देखो, बिना हम कुछ किए हुए, आप किताब में देखो सॉल्यूशन, इनमें पूरा ग्राफ बनाया हुआ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ता है। जब भी हम दो कर्व के बीच का एरिया फाइंड करते हैं तो सबसे पहला काम यही होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने होंगे, तभी जाके आगे बढ़ेगा खेल। देखो एक चीज और लिख ले, ये भी नोट करके लिख लो, ये भी ट्रिक की तरह यूज करेंगे हम। एरिया बिटवीन पैराबोला एंड इट्स लेटर सेक्टम नाभिलंब कहते हैं, इज 8/3 ए स्क्वायर। अगर एम क्यूब कर दोगे तो वो वाला पहला वाला बन जाए, ठीक है, 8/3 ए स्क्वायर। किसके बीच में? पैराबोला और लेटर सेक्टम, थोड़ा बहुत याद रख लो बस, बाकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही बताया जाएगा। एक्चुअल में होता क्या है बेटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जो 4ax है वो आपका ऐसे पैराबोला बनेगा। लेटस रेक्टम क्या होता है? फोकस से उकड़ जाता है बेटा, ध्यान रखना, फोकस से उकड़ जाएगा, इसको लेटस रेक्टम कहेंगे। तो ये हमें एरिया जो होता है, ये एरिया वो हमारा कितना होता है? 8/3
ए स्क्वायर होता है। निकाल के भी दिखा सकते हैं कैसे, इसके दो इक्वल पार्ट कर रहा है, ये जो एक्स एक्सिस है इसके, इस रीजन के दो इक्वल पार्ट कर रहा है। आप जानते हो नहीं, ये पैराबोला जो होता है जितना ऊपर है उतना ही नीचे, तो जितना पोर्शन ऊपर एरिया बन रहा है उतना ही पोर्शन नीचे बन रहा है। तो हम लोग क्या दिमाग लगाते हैं, एक पोर्शन का एरिया निकाल लेंगे और उसका दो का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होगा बेटा, ध्यान रखना। ए डिस्टेंस पर होती है तो एक्स इज इक्वल टू ए, तो हम ऊपर वाले का एरिया निकाल ले रहे हैं, तो ऊपर वाले का एरिया कितना होगा, इस पर एक स्ट्रिप बनाएंगे उसकी लेंथ वाई होगी और थिकनेस डी एक्स होगी, तो इस स्ट्रिप की एरिया कितना होगा, वाई इन टू डी एक्स, और इसी तरह से सारी स्ट्रिप को ऐड करोगे, कहाँ से स्ट्रिप बनेंगी, जीरो से, और यहाँ पर एक्स कितना है ए, यहाँ पर यहाँ तक जाएंगे, यहाँ पर एक्स कितना है ए, ये तो आप जानते हो क्योंकि ए डिस्टेंस पर है, तो एक्स ए हो गया, तो जीरो से कहाँ तक, ए तक, इसका क्या करेंगे चार का मल्टीप्लाई, यही क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा बेटा, और ये जीरो से ए, वाई की वैल्यू क्या होगी, दो, चार नहीं है, दो का मल्टीप्लाई, सर्कल नहीं, दो का मल्टीप्लाई, ये एरिया निकालो, इसको मत निकालो, ये उतना ही है, ये आप जानते हो, तो इसको निकाल, अगर 10 है तो ये भी 10 है, तो 10 में 10 ऐड करोगे 20, 10 में 2 का मल्टीप्लाई करो तब भी 20 बन जाएगा, तो इतने को निकालने के बाद उसका डबल कर देंगे, ग्राफ से पता चल रहा है, ठीक है। तो y कितना होगा बेटा, y इज इक्वल टू 4, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो y इज इक्वल टू 2 रूट, क्योंकि 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे 2 अंडर रूट ax dx, तो 2 दूनी 4, 0 से a, रूट ए भी बाहर निकाल दें, और ये रूट एक्स डी एक्स हो जाएगा ना, अब कितना होगा, इसके बाद कितना होगा एरिया जो होगा वो कितना होगा, 4 रूट ए 2 बाई 3 एक्स ई पावर 3 बाई 2, लिमिट कितनी होगी 0 से ए, तो 4 टू जा 8 बाई 3 रूट ए, अपर लिमिट कितनी हो गई, ए की पावर 3 बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0, और जानते हो बेटा ए की पावर 3 बाई 2 को क्या लिख सकते हो, ए रूट ए लिख सकते हो, याद रखना, ऐसा क्यों, क्योंकि ए का मतलब 1 पावर, अंडर रूट का मतलब 1 बाई 2 पावर, और दोनों की पावर को ऐड करोगे तो ए की पावर 3 बाई 2 हो जाएगा, तो यहां पर जो एरिया होगा वो कितना होगा, 8 बाई 3 रूट ए इंटू ए रूट ए, तो ये कितना होगा 8 बाई 3 ए स्क्वायर, रूट ए ए, और ए में ए का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ये क्या होगा बेटा, ये एरिया बिटवीन पैराबोला एंड लाइन एक्स इक्वल टू ए के बीच जो एरिया बन रहा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है और एक्स इज इक्वल टू ए, ये हमारा इन दोनों के बीच जो एरिया बन रहा है वो कितना बन रहा है, 8 बाई 3 ए स्क्वायर, 8 बाई 3 ए स्क्वायर, बहुत ईजी हो गया। तो जैसे हमने कोई क्वेश्चन दिया, ट्रिक कैसे यूज करना है, ए तो निकालना जानते हो, जो लीनियर है उसमें 4 का डिवाइड करोगे, और ए हमेशा पॉजिटिव होगा, वो निगेटिव भी हो सकता है लेकिन उसका मॉड कर देना पॉजिटिव होगा। जैसे अगर हमने कहा फाइंड द एरिया एंड इट्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, बताओ कितना होगा, कितना होगा, कोई डायग्राम नहीं बनाना, 8 बाई 3 ए कितना है, कितना हो गया, एक 3 कैंसिल 24 आ गया इन दोनों के बीच का एरिया। इस तरीके से हम एरिया भी कैलकुलेट करते हैं।